मोहनपुर नाम के इस गांव में रात के 12 बज रहे थे। बारिश का मौसम था। गांव वाले घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी सरला को लेबर पेन होना शुरू हो गया। आह आह, लगता है बच्चा बाहर आने वाला है। आह। सरला का पति मोहन उसे शांत करने लगा। सरला, शांत हो जाओ सरला, कुछ नहीं होगा, हमारा बच्चा बाहर आएगा। सरला, थोड़ी सी दर्द के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि सरला की चीख किसी ने नहीं सुनी। देर रात को सरला के पेट में से उसकी बेटी निकली। अपनी पहली संतान को हाथ में लेकर सरला को लगा कि यही उसके जीवन का असली मकसद है। उसके पेट में पल रही बच्ची आज उसकी गोद में है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी सोनी सी बच्ची, माँ तुझसे बहुत प्यार करती है बेटी, बहुत प्यार। वाह, कितनी सुंदर है हमारी बेटी, बिल्कुल तुम पे गई है सरला। पहली बार माँ बनने की जो खुशी होती है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है, ये आज सरला को पता चल गया। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर पूरी रात बिता दी। लेकिन सुबह सुबह उसके घर में मोहन का बड़ा भाई महेश और उसकी पत्नी पूनम आ गई। महेश ने सरला की बेटी को देखकर कहा, छी, लड़की हुई है, तुमने लड़का पैदा नहीं किया सरला? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था ये सरला किसी काम की नहीं है। क्या करें, तू भी तो मुझे बच्चा नहीं दे सकी ना। महेश की बीवी पूनम बांझ है लेकिन उन्हें एक बेटा चाहिए था। इधर मोहन और सरला गरीबी की वजह से बच्चा नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए महेश ने सरला से उनके लिए एक बेटा पैदा करने के लिए कहा था। आज से 9 महीने पहले महेश ने सरला से कहा था, सरला मुझे एक बेटा चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं डिलीवरी तक के सारे पैसे दूंगा और डिलीवरी के बाद बच्चे को हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन हमें केवल और केवल लड़का ही चाहिए। मोहन के पास सूखे चावल खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों राजी हो गए। सरला गर्भवती हो गई और आज सरला ने एक लड़की को जन्म दे दिया। इसी बात से महेश और पूनम दोनों गुस्सा हो गए। मोहन ने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहा, भैया अब लड़की हो गई तो क्या कर सकते हैं, इसे हमें दे दीजिए, हम पालेंगे इसे। सरला इस लड़की को पालेगी तो मेरे लिए बेटा कौन पैदा करेगा, तू? हाँ। इस बच्ची के लिए मैंने पैसा दिया है, इसलिए इस बच्ची के साथ क्या करना है वो भी मैं तय करूंगा। ये बोलकर महेश ने सरला की गोद से उसकी बेटी को छीन लिया। नहीं, बच्ची को वापस दे दीजिए, मत मारिए इसे, मत मारिए। पूनम, हाथ पैर बांध दो इन दोनों के। पूनम ने सरला और मोहन के हाथ पैर बांध दिए। महेश ने उस बच्ची को लेकर खेत में जिंदा दफना दिया। ये बच्ची अब यही मर जाएगी, अब मैं फिर से सरला से एक बेटा पैदा करवाऊंगा। महेश क्रूर था, उसके सामने मोहन और सरला की नहीं चलती थी। उसने जबरदस्ती फिर से सरला को प्रेग्नेंट कर दिया और कहा, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, नहीं तो देख लेना कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस बार भी लड़का नहीं हुआ। सरला की फिर से लड़की हुई। महेश ने उस लड़की को भी जमीन पर दफना दिया। ऐसे ही सरला को 5 बेटियां हुई और 5ों को जमीन में आसपास दफनाया गया। अब सरला की तबीयत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये घर भी हमारा है, निकल जाओ यहाँ से। पूनम और महेश ने मोहन और सरला को घर से निकाल दिया। मोहन बहुत गरीब था, ना ही उसके पास कोई घर था ना ही कोई जमीन थी, लेकिन महेश के पास पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी, वो गांव का सबसे अमीर इंसान था। महेश ने 5ों बच्चियों को अपनी ही जमीन पर दफनाया था। वहीं पर एक तालाब भी था। मोहन और सरला उसी तालाब के पास जाकर बैठ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। पैसों के लिए आजकल भाइयों में भी दरार आ जाती है जी, लेकिन अब हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? जब तक भैया को पता नहीं लगता हम दोनों यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे, लेकिन खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। महेश ने जिन बच्चियों को जमीन में दफना दिया था वो 5ों अभी तक मरी नहीं थी। जमीन के अंदर तापमान अच्छा था, मिट्टी गीली थी, उसी गीली मिट्टी से उन बच्चियों को पीने का पानी मिल रहा था। मिट्टी में कीड़े मकौड़े थे, वही सब खाकर 5ों बहनें जिंदा थी और आज उन लोगों ने अपने माता पिता की बात सुन ली। उन्हें बहुत दुख पहुंचा। वो लोग आपस में बातें करने लगे। हमारी वजह से हमारे माँ बाप दुखी हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस अत्याचारी चाचू और चाची को सबक सिखाना पड़ेगा जिन्होंने हमारे माता पिता के साथ बदसलूकी की और हमें यहाँ दफना दिया। लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो सब लोग,
कल सुबह हम हमारी नाभियों से फूल गोभी उगाएंगे, उनसे हमारे माता पिता को खाना मिलेगा। सभी बहनें राजी हो गई। उधर मोहन ने पेड़ों से डाल काट काट कर दोनों के लिए एक झोपड़ी बना ली और दोनों उसी के अंदर सो गए। रात को पांचों बच्चियों ने अपनी अपनी नाभियों से फूल गोभी का पेड़ उगाया और सुबह उनमें बड़े बड़े 5 फूल गोभी उग गई। सुबह नींद से उठकर मोहन ने देखा झोपड़ी के बिल्कुल सामने 5 फूल गोभी उगी हुई है। सरला वो देखो, वहाँ 5 फूल गोभी अपने आप उग गए हैं। अरे वाह, भगवान हमारे साथ हैं जी, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मोहन ने एक फूल गोभी को तोड़ा, उससे उस बच्ची को दर्द हुआ, वो मिट्टी के अंदर से चिल्लाई आह। मोहन ये सुनकर सोच में पड़ गया। अरे ये आवाज कहाँ से आई, खैर कोई नहीं, बाकी के फूल गोभी भी तोड़ लेता हूँ। मोहन ने दूसरी फूल गोभी तोड़ी और वो बच्ची भी मिट्टी के अंदर दर्द से चिल्लाई आह। मोहन फिर से चौंक गया। ऐसे उसने 5 फूल गोभियों को तोड़ लिया। उसने सरला से कहा, सरला मैं जैसे ही एक फूल गोभी तोड़ता हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई बच्ची दर्द भरी आवाज में चिल्लाती है। ये कभी होता है क्या? आप भूखे हो ना, ये आपके मन का वहम होगा। हाँ सही कहा, मैं आग जलाता हूँ, बहुत भूख लगी है। मोहन ने झोपड़ी के सामने आग जलाई और उसी आग में फूल गोभी को रोस्ट करके दोनों खाने लगे। बहुत दिनों के बाद दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। अगले दिन 5 बहनों ने बंद गोभी उगाई, मोहन और सरला ने बंद गोभी खाई। ऐसे ही एक के बाद एक सब्जियां उगती रही और मोहन सरला पेट भर कर खाते रहे। सरला हमने इतने दिनों तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अभी हमें पेट भर के खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज नए नए सब्जियां उगा कौन रहा है। पता नहीं जी, हमें खाने को मिल रहा है यही बहुत है। मोहन और सरला शांति से रहने लगे, लेकिन ये शांति ज्यादा समय के लिए नहीं थी। एक दिन महेश और पूनम वहाँ से जा रहे थे, तभी उन्होंने मोहन और सरला को फूलगोभी खाते हुए देखा। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने दोनों को घर से भगा दिया, लेकिन ये दोनों तो यहाँ रहने लग गए हैं। और मेरे ही खेत में से सब्जियाँ उठाकर खा रहे हैं। चलिए दोनों को भगा देते हैं। नहीं नहीं रुक जाओ, हम कल इन दोनों को जड़ से मिटा देंगे। रात को खाना खाकर मोहन और सरला सो गए। सुबह हर रोज की तरह 5 बहनों ने मिट्टी के नीचे से बंद गोभी उगाई। सुबह उठकर मोहन बंद गोभी तोड़ने जा ही रहा था कि तभी महेश और पूनम वहाँ ट्रैक्टर लेकर आ गए। क्या रे मोहन, मेरे खेत में खेती करके अपना पेट पाल रहा है, शर्म नहीं आई तुझे? भैया रहम कीजिए, हमारे पास रहने का जगह नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे और तेरी बीवी को और रहने खाने की चिंता नहीं करनी होगी, हम आज तुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन गोभियों को मिट्टी में मिला दूंगा। महेश ने गोभियों पर ट्रैक्टर चला दिया, लेकिन गोभियां वैसी की वैसी रह गई। महेश परेशान हो गया, उसने खेत में आग लगा दी, लेकिन उससे भी गोभियां नहीं मरी। अरे ये गोभियां मर क्यों नहीं रही हैं? हाथ से उठा लो इन्हें। महेश हाथ से उठाने गया और गोभियों के साथ साथ बच्ची बाहर आ गई। कैसे हो चाचा, मुझे पहचान रहे हो ना? ये क्या? डर के मारे महेश दूर हट गया, पूनम भी डर गई। सभी के शरीर पर एक एक बंद गोभी हो रखी थी। कौन हो तुम लोग, कौन हो? हम आपकी भतीजियां हैं, जिन्हें आप दोनों ने यहाँ दफना दिया था। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। 5 बेटियों ने अपनी सब्जियां उगाने वाली क्षमता से चारों तरफ सब्जियां उगानी शुरू कर दी। चारों ओर पेड़ों के दलदल बन गए और उन दलदलों में महेश और पूनम फंस गए और वो दोनों मिट्टी के नीचे दफन हो गए। मोहन और सरला को उन दोनों से मुक्ति मिल गई। माँ पापा हम जिंदा हैं, हम 5 आप ही की बेटियां हैं। बेटी मेरी बच्ची, मेरी बेटी। उसे सब कुछ मिल गया, घर जमीन और 5 बेटियां। इसके बाद वो सभी एक साथ रहने लगे। 5 बेटियां सब्जियां उगाने लगी, उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई, वो लोग खुशी से जीवन बिताने लगे। हरिहर बाजार से घर लौटता है। घर लौटते ही उसकी बहू शांता कहती है, कितने पैसे बचे हैं लौटाइए मुझे। हरिहर जेब से कुछ पैसे निकालकर शांता को देता है। उन पैसों को गिनकर शांता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। यहाँ तो 10 रुपए कम है, 10 रुपए कहाँ है, कहाँ है 10 रुपए? पता नहीं बहू, दुकानदार ने मुझे जितना लौटाया मैं उतना ही ले आया। झूठ,
झूठ, आपने चोरी की है ना। ये सुनकर सांता की सास बिमला दौड़कर आती है। ऐसा मत बोलो बहू, हम पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, इसीलिए दुकानदार ने उसका फायदा उठा लिया होगा। हाँ बहू, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे सामने ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। चोर कहीं के 10 रुपए चोरी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी तो नियत में ही खोट है। ये बोलकर सांता ने हरिहर को एक लात मार दी। हरिहर गिर पड़ा। बिमला हरिहर को पकड़कर रोने लगी। सांता जब से इस घर में आई है तब से उन दोनों को अत्याचार सहना पड़ रहा है। हरिहर और बिमला ने बड़ी आशा लेकर अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। बिमला, हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बस खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, और हम दोनों को बहुत खुश रखेगा, और फिर इसी गांव की एक लड़की से उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन अनिमेश का प्लान कुछ और था। उसे शहर की किसी अमीर आदमी की लड़की से शादी करनी थी, इसीलिए शहर पहुंचते ही वो लड़की की खोज में लग गया, और उसी दौरान वो सांता से मिला। सांता का पिता बहुत अमीर था, शहर में उसके पिता के कई बिजनेस थे। ये सब देखकर अनिमेश ने सोचा, सांता अपने माता पिता की इकलौती लड़की है, उससे शादी करूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। अनिमेश ने सांता को शादी के लिए राजी कर लिया और सांता के पिता के पास जाकर सांता का हाथ मांग लिया। सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरा रोल मॉडल है सर, आप मुझसे सांता की शादी करवा दीजिए। ओह वेल यंग बॉय, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे, गांव के गवार, मेरी बेटी वहां जाके नहीं रह पाएगी। अरे सर, मेरे असली पिता तो आप हैं, आप ही रहेंगे, सांता को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप निश्चिंत रहिए। सांता के पिता मिस्टर सिंघानिया ने सोचा, ये लड़का गरीब है, ये तो मेरा कुत्ता बन के रहेगा, कुत्ता, मैं जो कहूंगा ये वही करेगा, इसी से सांता की शादी करवा देता हूँ। सिंघानिया ने सांता से अनिमेश की शादी करवा दी। शादी में अनिमेश ने अपने असली माता पिता को बुलाया तक नहीं, अनिमेश सिंघानिया का कुत्ता बन चुका था। शादी के बाद अनिमेश सांता को अपने घर ले आया, और आते ही सांता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये दोनों तुम्हारे माँ बाप है, यक, कितने गंदे और गवार हैं। क्या करे बहू, हम दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं जानते ना। क्यों नहीं जानते, आप दोनों ने पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश ही नहीं की। हमारा जीवन तो पेट पालने में ही चला गया बहू, पढ़ाई करने का मौका कहाँ मिला, लेकिन हमने हमारे बेटे को पढ़ाया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब से मैं इस घर को चलाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ रहने के लिए आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो लात मारकर इस घर से निकाल दूंगी। हाँ, ये सुनकर हरिहर और बिमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन अनिमेश ने सांता को कुछ नहीं कहा। इसके बाद सांता हरिहर और बिमला पर अत्याचार करने लगी, उन दोनों से सारा काम करवाने लगी, और आज तो उसने हद ही पार कर दी। 10 रुपए के लिए उसने हरिहर को लात मार दिया। हरिहर और बिमला रोने लगे। अनिमेश ने हरिहर से कहा, आप 10 रुपए का हिसाब नहीं रख सकते, आप दोनों को माता पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। वाह रे वाह, हे भगवान, यह आपका कैसा विचार है, बेटे को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, और आज बेटा ये सब बोल रहा है। ए नौटंकी, ज्यादा नाटक मत कर, आज रात को घर में पार्टी रखी है मैंने, मेरे दोस्त लोग शहर से आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना होगा और उन्हें सर्व करना होगा, चल तैयारी पर लग जा। हरिहर और बिमला काम पर लग गए। शाम को सांता की सारी सहेलियां आ गई और पार्टी शुरू हो गई। सांता और अनिमेश अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी करने लगे। हरिहर और बिमला नौकरों की तरह लोगों को खाना सर्व करने लगे। चिकन पकौड़ा लेंगे, आप लेंगे? शरबत लीजिए ना, मैंने बनाया है, लीजिए। सांता की एक सहेली का नाम मधु है। मधु ने सांता से पूछा, सांता ये दोनों तेरे नौकर हैं क्या? हाँ कह सकती है, असल में ये मेरे सास और ससुर हैं। ये सुनकर मधु को बहुत बुरा लगा। अपने सास ससुर से ये सब करवाती है सांता, ये तो गलत बात है। मधु अच्छी है लेकिन वो कर भी क्या सकती है। इसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। बिमला और हरिहर एक के बाद एक खाना लाते हैं। दोनों पसीने से नहा चुके हैं, दोनों का सर चकराने लगता है, और उसी वक्त शरबत लाते हुए बिमला एक गेस्ट के ऊपर शरबत गिरा देती है। यू ब्लडी नॉकर, काम करना नहीं आता है तुम्हें? ये बोलकर वो बिमला को एक थप्पड़ लगा देती है। सांता बिमला पर गुस्सा हो जाती है। एक काम नहीं होता आप दोनों से, मेरे घर में मेरी सहेली का अपमान किया है आपने,
गवार कहीं की। निकल जाइए इस घर से, निकल जाइए। लेकिन यह घर तो हमारा है ना? नहीं, यह घर सांता का है, वो कह रही है तो आप दोनों निकल जाइए। वाह बेटा वाह, जोरू का गुलाम बन गया है तू, पैसा देख के तेरा सर घूम गया है। याद रखना बेटा, हम दोनों तेरे माँ बाप हैं, हम तुझे पैदा कर सकते हैं तो तुझसे ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ये सुनकर सांता जोर जोर से हंसने लगी। तुम दोनों गवार अनपढ़ पैसे कमाओगे। ठीक है, देख लेना बहू, चलो बिमला। हरिहर बिमला को लेकर वहाँ से चला जाता है। अनिमेश बस देखता है, वो कुछ नहीं कहता। मधु को बहुत बुरा लगता है। हरिहर बिमला को लेकर शहर चला जाता है। हम दोनों शहर तो आ गए, लेकिन हम दोनों करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ? फुटपाथ में रहेंगे, जूता पॉलिश करेंगे। वो दोनों फुटपाथ में रहने लगे, लोगों के जूते पॉलिश करने लगे। इसी तरह वो दोनों दो वक्त की रोटी कमाने लगे। कुछ दिन बीत गए। सांता और अनिमेश शहर आए हुए थे और एक दिन वो दोनों मिस्टर सिंघानिया के साथ घूमने निकले थे। मेरा जूता गंदा हो गया है, साफ करवाना होगा। अरे वो रहा जूता साफ करने वाला। गाड़ी रोककर सिंघानिया साहब बाहर निकले और तभी सांता ने हरिहर और बिमला को देखा। आप दोनों यहाँ जूते साफ कर रहे हैं? क्या हुआ पिताजी, आप मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने वाले थे ना? आपको तो पिताजी कहने में आज भी मुझे शर्म आ रही है, मिस्टर सिंघानिया ही मेरे असली पिता है। दोनों का अपमान करके वो तीनों चले जाते हैं। हरिहर और बिमला रो पड़ते हैं। तभी वहाँ मधु आती है और दोनों को पहचान लेती है। अरे आप दोनों सांता के सास ससुर हो ना? हाँ बेटी, क्या तुम भी हमारा अपमान करने आई हो? नहीं माँ जी, मुझे आप दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेटी कुछ काम मिलेगा, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने बेटे और बहू को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आप दोनों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। मैं यहीं पर बच्चों का स्कूल चलाती हूँ, आप दोनों वहाँ पढ़ने आ जाइए, मैं वहीं पर आप दोनों के रहने और खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। दोनों स्कूल चले गए और पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर वो दोनों हिसाब किताब सीख गए। मधु ने कहा, अब आप दोनों कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, मैं बैंक से कहकर आपको लोन दिला सकती हूँ। मधु ने हरिहर को लोन दिला दिया और हरिहर जी ने शहर में दुकान लगा दी। दुकान से हरिहर और बिमला को बहुत पैसे मिलने लगे और उन पैसों से हरिहर ने और 10 दुकानें खोल ली और इस तरह धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो गए। दूसरी ओर अनिमेश मिस्टर सिंघानिया की कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया अच्छे आदमी नहीं थे। वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सरकार ने फैक्ट्री बंद करवा दी। अनिमेश की नौकरी चली गई। अनिमेश और सांता रास्ते पर आ गए। ये क्या हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब हम पेट कैसे पालेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं जूता पॉलिश करूंगा, उसी से पेट पालूंगा। अनिमेश जूता साफ करने लगा। एक दिन वहाँ हरिहर जूता साफ करवाने आया और अनिमेश को देखकर चौंक गया। बेटा तू जूता साफ कर रहा है? हाँ पिताजी, भाग्य ने शायद मेरे लिए यही लिखा था। देखा बेटा, अपने माँ बाप को सम्मान ना देने से क्या होता है, आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूँ और तू? हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, माँ जी हमसे भूल हो गई। कोई बात नहीं बहू, हम माँ बाप हैं, हम गुस्सा पाल कर नहीं रखते। चलो तुम दोनों, आज से हम एक साथ रहेंगे। मैं एक और दुकान खोल रहा हूँ, वो मैं तुझे दे दूंगा बेटा। पिताजी, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ऐसे ही एक गरीब अंत में जीत गया और अहंकारी अमीर का अहंकार टूट कर चूर चूर हो गया। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।